नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बताने जा रही हूँ गुजराती रेसिपी फाफड़ा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑल डांडा रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, 250 ml का कप है। बेसन को आप अच्छी तरह छान के तभी इस्तेमाल में लें। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, इस चम्मच से आधा चम्मच से थोड़ी सी कम है। हल्दी लेंगे, नमक का भी ये आधा है। खाने वाला सोडा लेंगे, ये 2 चुटकी करीब है। चुटकी से इस तरह करके लेंगे तो 2 चुटकी है। अजवाइन लेंगे आधा चम्मच। अजवाइन को हाथ पर इस तरह करके मसल के फिर डालें। तेल लेंगे, तेल 1 ही चम्मच लेना है। अब इसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। हमें तेल ज़्यादा नहीं डालनी है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फाफड़ा खस्ता तो होगी लेकिन उसमें ऑयल ज़्यादा सोखेगा। इस तरह जब आप मिक्स करेंगे तो आपके हाथ में इस तरह करके मुट्ठी में बंधना चाहिए तो आपको पता चलेगा कि इसका मोयाम सही है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी से गूथना है। मैंने यहाँ 7 चम्मच पानी डाला है गूथने के लिए। ना हमें ज़्यादा नरम डो तैयार करनी है ना ही थोड़ी कड़ा। देखिए मैं हाथ से लगा के दिखा रही हूँ, नरम तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। डो तैयार है, अब इसे ढक के रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे बनाएंगे। 15 मिनट के बाद एक बार फिर से इस तरह कर लेंगे और इस तरह समान समान गोला बना लेंगे। मुझे पानी इसमें गूंथते समय 7 चम्मच लगी है। इस तरह का शेप करके हमें बनानी है। इस तरह हमें थाली पर भी बना सकते हैं, हमें इस पर कुछ भी नहीं लगाना है। इस तरह ले लेनी है और यहाँ पर हाथों के सहारे, इस जगह के सहारे हमें इस तरह लंबा करनी है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थाली पर ही बनाएं, थाली पर चकला से अच्छा इस पर बनता है। ये स्टील का थाली है। इस तरह बनाते समय इस तरह से हाथों में लगती है तो इसे आप निकाल लें और इस तरह से चाकू से हमें इसे निकालनी है। ये पूरा फिनिशिंग प्लेन नहीं आती है, हल्की दरदरी जैसी रहती है। इस तरह से रोटी बनाने वाली बेल चकला होती है, आप उस पर भी इस तरह कर सकते हैं। इस जगह में प्रेस देनी है इससे। इस तरह से निकाल ले। गुजरात में फाफड़ा के साथ जलेबी खाया जाता है तो मैंने जलेबी की रेसिपी दे रखी हूँ और इमरती की रेसिपी दे रखी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। और इस तरह अगर आ जाए इस पर तो इसे पहले आप इस तरह करके इसे निकाल ले, क्लीन कर ले, उसके बाद फिर से आप दूसरा बनाएं। अब इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ अच्छी तरह तेल को गरम कर लिया है, मैंने यहाँ रिफाइन तेल लिया है फ्राई करने के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा चेक करके बताती हूँ, इस तरह ऊपर आ जाना चाहिए पापड़ जैसे। ये पूरा परफेक्ट तेल गरम है। फाफड़ा को एक एक करके डाल देंगे और इसे तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 30 से 40 सेकंड के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। जब आप डालें तो इसे हाई फ्लेम पर रखें, बाद में इसे फ्लेम को कम कर दें मीडियम पर। अब इसे हम पलट लेंगे, 10 सेकंड के बाद मैं पलट रही हूँ। 1 देख कर पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बनेगा ये। और इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ये लाइट कलर का ही रहता है येल्लो में। इस तरह दोनों तरफ से कर लें, ये बन के तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। फाफड़ा बन के तैयार है, 8 पीस बनी है जो यहाँ पर लग जाती है तो आप उसे भी गोला बना के, उसे लंबा बनाकर आप उसे भी इस तरह करके बना लीजिए
और आप इसे थाली पर ही बनाए, थाली पर बहुत ही अच्छा शेप आता है और अच्छे से बन जाता है, और चाकू से भी अच्छे से निकल जाती है। तो फाफड़ा बन के तैयार है। अगर आपको फाफड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।